हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर रूप किशोर, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा और माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती से संबंधित न्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसी तरीके नोटिफिकेशन और अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यह न्यूज़ अमर उजाला ई पेपर के प्रयागराज शहर के संस्करण में 4 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुई है और इसके अनुसार शिक्षक भर्ती के इंतजार में बीता साल, अब नए आयोग से उम्मीद। फरवरी में है निर्णय के आसार। 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भर्तियों के लिए किए हैं आवेदन। प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक शिक्षक भर्ती के इंतजार में पिछला साल बीत गया। परिषदीय स्कूलों के साथ अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई। अभ्यर्थियों को अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से उम्मीद है, जिसके गठन की प्रक्रिया इस साल फरवरी के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकती है। परिषदीय विद्यालयों में भी 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और उन्हें 1.5 साल से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। इसी तरह अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती के लिए भी अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए 1.14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, इनको भी अब तक परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। ये दोनों भर्तियां अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी करानी है। नए आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जो 15 जनवरी तक पूरी होगी। इसके बाद आवेदन की स्क्रीनिंग होगी और फिर अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम तय किए जाएंगे। ऐसे में नए आयोग फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में सक्रिय हो सकता है। आयोग के सक्रिय होने के बाद लंबित परीक्षाओं पर निर्णय लिया जाएगा। और इसी के साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए से संबंधित न्यूज़ है। एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए नया विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया। प्रतियोगियों ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने और नई भर्ती के विज्ञापन में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने की मांग की। ज्ञापन लेते हुए आयोग के अनुभाग अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि एलटी जीआईसी और प्रवक्ता जीआईसी से संबंधित समकक्ष अर्हता का समाधान अभी नहीं हुआ है। इसकी फाइल कार्मिक विभाग में रुकी हुई है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती से संबंधित फाइल शिक्षा निदेशक बेसिक के यहाँ है। एलटी जीआईसी 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठ सूची पर कार्य गतिशील है और जल्द सूची जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से ये थी पूरी न्यूज़। और इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू वेरी मच।